सभी गर्भवती माताओं को मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं जो गर्भावस्था का आनंद ले रही है। अब हम श्रेष्ठ तेजस्वी और बुद्धिमान शिशु के लिए गर्भ संवाद की शुरुआत करते हैं। अपना पूरा ध्यान अपने श्वास पर होना चाहिए। धीरे धीरे अपनी दोनों आंखें बंद करें, एक गहरी सांस लें। अब अपने दोनों हाथ गर्भस्थ शिशु पर रखकर गर्भस्थ शिशु के बारे में सोचिए। आपका पूरा ध्यान आपके शिशु पर होना चाहिए। बेटा, तुझे पता है अब हमारा नौवां महीना बीत गया है। अब थोड़े ही दिनों के बाद हम एक दूसरे से रूबरू होने वाले हैं। अब तो मैं आपको कुख में लेने के लिए बहुत ही उतावली हो रही हूँ। अब हम जल्द ही एक दूसरे से मिलने वाले हैं। मेरा इंतजार जल्द ही खत्म होगा बेटा। मेरे प्यारे शिशु, मैं वो पल के लिए बहुत उत्सुक हूँ जब आप मेरी गोदी में होगे। बेटा, अब आपका वेट 3 kg के आसपास हो गया है। अब तुम बड़े हो गए हो और इस दुनिया में जल्द ही आने वाले हो। अब तो मेरा एक एक दिन बहुत ही प्रतीक्षा से बीत रहा है। मैं तुम्हारे इंतजार में पागल हो रही हूँ। परंतु बेटा, तुम बहुत ही धीरजवान हो। तुम अपना पूरा विकास अच्छा हो, इसीलिए तुम पूरा समय ले रहे हो। तुम मेरे अति प्रिय हो। अब तो तेरा शारीरिक विकास संपूर्ण हो गया है। अब सिर्फ तुम्हारा वजन हर रोज 50 ग्राम जितना बढ़ रहा है। तुम दिन ब दिन गोल मटोल बन रहे हो। मेरे अति प्रिय सुंदर शिशु, तुम मुझे बहुत ही लात मारते हो और मैं उसका अपार आनंद लेती हूँ। जब मैं तुम्हारे ऊपर हाथ रखती हूँ ना बेटा, तब मुझे आप प्रतिक्रिया देते हो। तब मुझे आपके हलन चलन का अनुभव होता है। इस महीने की हलन चलन कुछ अलग है बेटा, मुझे वो अपार आनंद देती है। और तुझे पता है, तुम्हारे डैडी मुझसे ज्यादा उतावले हो रहे हैं और भाव विभोर हो रहे हैं। अब तेरे आगमन का काउंटडाउन शुरू हो गया है और हम दोनों तुझे अपने हाथों में लेने के लिए बहुत उत्सुक हो रहे हैं। और बेटा, तुझे पता है अब मेरा पेट बहुत ज्यादा निकला है। उसकी वजह से मुझे उठने बैठने में तकलीफ होती है और पैरों में सूजन भी है, लेकिन फिर भी मैं बहुत खुश हूँ। और मैं अपने माइंड को पॉजिटिव रखने के लिए सुबह उठने के बाद ओंकार, प्राणायाम, प्रेयर, स्क्वेटिंग हर रोज करती हूँ, जिसकी वजह से हम दोनों को डिलीवरी के दौरान ज़्यादा दिक्कत ना हो और मैं तुम्हारा जन्म नॉर्मल डिलीवरी से हो। इसके लिए मेरा डे का शेड्यूल बहुत ही परफेक्ट बना लिया है। रात को मैं दूध में दिवेल डाल के भी पी रही हूँ और दिन के दौरान अच्छी मात्रा में पानी पी रही हूँ और हेल्दी डाइट के साथ अपना दिन बिताती हूँ। बेटा, तुम जन्म लेने के लिए जरूरी पोजीशन में आ रहे हो। तुम्हारा हेड नीचे की तरफ आ गया है, मैं फील कर सकती हूँ। अरे मेरे प्राण, अति प्राण प्रिय शिशु, तुम अभी से कितने समझदार हो गए हो।
मेरी प्रसूति सुख पूर्वक हो, इसीलिए तुम हमारा साथ अच्छी तरीके से दोगे। परंतु बेटा, प्रसूति थोड़ी कठिन और कष्टदायी होगी, लेकिन तुम मेरा अच्छी तरीके से साथ देने के बाद तुम्हें पा लेने का आनंद अलग ही होगा। मेरे लिए वो मेरे कल से कम नहीं है। मैं तुम्हारा इस दुनिया में स्वागत करती हूँ, बस तुम जल्द ही मुझे रूबरू हो, ऐसी मैं प्रभु से प्रार्थना कर रही हूँ। अब बहुत इंतजार कर लिया। हे मेरे प्रिय शिशु, मैंने मेरे सगर्भावस्था के सारे दिन बहुत अच्छी तरीके से निकाले हैं और ये दिन जीवन के श्रेष्ठ दिनों में से है। मेरे यादगार पल मैं जीवन भर नहीं भूलूंगी। बेटा, मैंने आपके साथ 9 महीने बिताई है, तुम्हारा अनुभव किया है जो अवर्णनीय है। परंतु खुशी भी है कि आप हम से रूबरू होगी। मेरे प्यारे शिशु, आप बुद्धिवान, तेजस्वी और बहुत ही सुंदर हो। मैंने जैसी कल्पना की बिल्कुल वैसे हो। आपका आध्यात्मिक भावनात्मक विकास अच्छा हो, इसीलिए मैं हर रोज रुद्राष्टकम, संतान गोपाल स्त्रोत्र, गर्भ प्रार्थना, हनुमान चालीसा, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करती हूँ और शुभ काम करने के समय ये सब सुनती हूँ और उसका आनंद उठाती हूँ। 9वें महीने के दौरान मैं प्रसव सुख मंत्र का पाठ अवश्य करती हूँ। आपका शारीरिक विकास अच्छा हो, उसके लिए मैं अखरोट, चावल, काजू, वेजिटेबल्स, खीर, हर बनावट को ग्रहण करती हूँ जिससे आपका विकास अच्छा हो। हे मेरे प्रिय बाल स्वरूप, आप अपनी आध्यात्मिक शक्ति से दुनिया का मार्गदर्शन कर रहे हो। आप अपने माता पिता, देश और कुल का नाम रोशन कर रहे हो। बेटा, आपकी कल्पना शक्ति अद्भुत है। आप लीडरशिप, ड्राइंग, फोटोग्राफी, राइटिंग जैसे कई विषयों में रुचि रखते हैं और मुझे पता है कि आप पढ़ने के बहुत शौकीन हैं। क्या बुरा है और क्या भला है, उसका अंतर आप अच्छी तरीके से जानते हैं। मेरे प्रिय शिशु, आप अपने आत्मविश्वास के माध्यम से एक सुंदर और आसान जीवन जी सके, ऐसी प्रभु से प्रार्थना। आपके आने की सुखद कल्पना मेरी प्रसव पीड़ा के दुख को दूर कर रही है और मुझे पॉजिटिविटी प्रदान कर रही है। मेरे प्राण प्रिय शिशु, आपका आगमन बहुत ही सरलता से होने वाला है। मेरी प्रसूति सुखपूर्वक होने वाली है, उसका मुझे आनंद है। अरे 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 बेटा, ये सुन के तो तुम भारी हलन चलन करने लगे और मुझे पता है सही समय मेरी प्रसव पीड़ा शुरू होगी और मैं आपको जल्द ही रूबरू होगी। आपका आगमन मेरा सब दुख हर लेगा, आपका आगमन मेरा जीवन बन जाएगा, आपका आगमन हमारे परिवार में खुशियाँ लाएगा, आपका आगमन मेरा जीवन बदल देगा, आपका आगमन मेरे जीवन को खुशी से भर देगा। आपके आगमन के लिए मैंने छोटे छोटे कपड़े, ब्लैंकेट और कई क्रिएटिव आइटम्स का कलेक्शन किया हुआ है। मैंने सब तैयारियां कर ली है आपके आगमन के लिए। आपके लिए मैंने झूला भी खरीद लिया है जिसमें मैं आपको सुलाकर हर रोज लोरी सुनाऊंगी। हे मेरे प्रिय शिशु, मैंने इस 9 महीने के दौरान हम दोनों ने बहुत ही तपस्या की है, उसके फल परमात्मा आपको दे। हे मेरे प्राण प्रिय शिशु, आप श्रेष्ठ, तेजस्वी, बुद्धिमान बनो, ऐसी प्रभु से प्रार्थना।
अब मुझसे ज्यादा इंतजार नहीं हो रहा है, परंतु आप धीरज से आना मेरे बच्चे, परमात्मा आपको शक्ति प्रदान करे। बेटा एक बात हमेशा याद रखना, मैं तुमसे हमेशा प्रेम करूंगी, तुम मेरी कुख में एकदम सुरक्षित और स्वस्थ आओगी, सब अच्छा सरल और सुख पूर्वक होगा, तुम्हारी प्यारी माँ। अब धीरे से अपनी आंखें खोली और अपने गर्भ में पल रहे शिशु को महसूस कीजिए। धन्यवाद।